that's why yaar mera jigri hustle mein the karte fun call it mega dete gaane music ke nashe mein burn ni jeb di gadla kha sab pe thi apni film have a care about a future with like cool king down kyunki bhai tera lit hai baki an fit hai ye game hoga kar raha hai isko karna na quit hai tere bag bhi to neat hai mere kash bhi ab hit hai health ki tu chhod haath mein mere fit hit hai bhai tera lit hai kyunki bhai mera lit hai kyunki bhai tera lit hai kyunki bhai mera lit hai हे गाइस आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग शाउट आउट टू जेन्युइन शिवम श्रेयांश दिव्यांश एंड श्रिया फॉर गेटिंग द राइट आंसर कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू तो अगर आप लोग भी मेरी क्विज में पार्ट लेना चाहते हैं तो यू कैन ऐड मी अप ऑन इंस्टाग्राम मैं हर वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन डालता हूँ और जो लोग सबसे पहले उसका सही आंसर देते हैं दे गेट अ शाउट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूजिक और रैप वोकल्स को आपस में कैसे मिक्स किया जाए और कैसे ये डिफरेंट है बाकी ट्रैक से सो लेट्स बिगिन तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे इस गाने का नाम है भाई तेरा लेट है एंड इट इज संग बाय अरबाज एंड कासिम और ये सुलेमान ने प्रोड्यूस किया है तो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस ट्रैक क्योंकि मैं यूजुअली हिप हॉप या रैप वोकल्स पे बहुत कम काम करता हूँ तो ये जो आप फाइल्स देख रहे हैं सामने ये मिक्स डाउन है एक वोकल्स का एक म्यूजिक का दोनों चीजें प्रोसेस्ड है रीजन बींग जो इसका मेन प्रोजेक्ट था वो बहुत ज्यादा हेवी था तो इसलिए आई डिसाइडेड क्योंकि हमें म्यूजिक और वोकल्स का रिलेशन देखना है आपस में उन दोनों को मिक्स करके देखना है तो वाई नॉट उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रोसेसिंग तो ये जो वोकल्स आप सुनेंगे ये भी मिक्स्ड है एज वेल एज द म्यूजिक वो भी प्रोसेस्ड है तो एक बार मैं इसको प्ले करता हूं और देखते हैं कि ये कैसा साउंड कर रहा है आफ्टर अ बेसिक मिक्स एक जो बेसिक मिक्स मैंने बनाया था यार मेरा जिगरी हॉस्टल में थे करते फन कॉलेज में गाते थे गाने म्यूजिक के नशे में बर्न अपनी जेब थी गड़ा था सब पे थी अपनी फिल्म हैव अ केयर अबाउट अ फ्यूचर विद लाइक कूल किंग डाउन क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना क्विट है तेरे बैग भी तो नीट है मेरे कश भी अब हिट है हेल्थ की तू छोड़ हाथ में मेरे फिट हिट है भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है क्योंकि भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है राइट तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे अभी भी एक चीज जो मिसिंग है क्योंकि देखो कंटेंट में क्लैरिटी तो है वोकल्स क्लैरिटी वाइज आर साउंडिंग गुड बट दिक्कत क्या हो रही है कि वो कट थ्रू नहीं कर पा रहे म्यूजिक को क्योंकि म्यूजिक इतना ज्यादा हैवी और अनइवन है कि जो वोकल्स हैं वो बार बार छुप रहे हैं वो कुछ कुछ पार्ट्स में एकदम हाईलाइट हो रहे हैं एट द सेम टाइम कुछ पार्ट्स में एकदम ही दब रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक रैप वोकल्स और नॉर्मल वोकल्स में क्या फर्क है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वेव फॉर्म्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वोकल्स के ये काफी ज्यादा इवन है तो रैप में क्या होता है रैप में इट्स ऑल अबाउट द फ्लो रैप में डायनेमिक चेंजेस बहुत कम होते हैं अप्स एंड डाउन्स बहुत कम होते हैं सो दैट इज व्हाई ये बाकी ट्रैक से अलग होता है क्योंकि नॉर्मली जो वोकल्स होते हैं आपने देखा होगा वोकलिस्ट कोरस में बहुत लाउड हो जाता है वर्सेस में बहुत स्लो होता है बट रैप में ऐसा कुछ नहीं होता रैप में क्या होता है आपके डायनेमिक्स कॉन्स्टेंट रहते हैं एंड आपका फ्लो चेंज होता रहता है आपके वर्डिंग्स चेंज होते रहते हैं तो यहाँ पे भी जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आपको फील हुआ होगा म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा अनइवन है अप्स और डाउन्स है एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम म्यूजिक को कंप्रेस कर दें और वोकल्स के डायनेमिक्स के पास ले आए बट उसमें पता है दिक्कत क्या होगी वोकल्स के डायनेमिक्स ऑलरेडी कांस्टेंट हैं तो आपके पूरे ट्रैक के डायनेमिक्स कांस्टेंट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका ट्रैक बहुत बोरिंग साउंड करेगा और उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस चीज का एक बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वोकल्स और म्यूजिक को मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग वोकल्स को सोलो करेंगे और वोकल्स की बॉडी ढूंढेंगे EQ में और देखेंगे जहां पे भी वोकल्स की बॉडी आती है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे म्यूजिक में ताकि वोकल्स को थोड़ी सी स्पेस मिल पाए तो एक बार प्ले करते हैं ट्रैक को और EQ में देखते हैं कि वोकल्स की बॉडी कहाँ पे दूसरा यार मेरा जिगरी हॉस्टल में थे करते फन टॉयलेट में गाते थे गाने म्यूजिक के नशे में बर्न अपनी जेब थी गड़ा खा सब पे थी अपनी फिल्म हैव अ केयर अबाउट अ फ्यूचर विद लाइक कूल किंग डाउन क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना अब क्विट है तेरे बैग भी तो नीट है मेरे कश भी अब हिट है हेल्थ की तू छोड़ हाथ में मेरे फिट बिट है भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है क्योंकि भाई तेरा लिट है हाँ क्योंकि भाई मेरा लिट है सुन राइट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दो जगह पे बहुत ही स्लाइट बूस्ट किया है 1.5 dB का तो आप जो फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं एक है 450 Hz और एक है 4800 Hz तो इनको बूस्ट करने का रीजन ये है कि 450 में आपकी थिकनेस है आपकी बॉडी है एट द सेम टाइम जो 4800 Hz है वहां पे आपकी प्रेजेंस है तो अब हम लोग क्या करेंगे हम सेम म्यूजिक ट्रैक खोलेंगे म्यूजिक ट्रैक में एक EQ डालेंगे और वही चीज करेंगे 450 Hz और 4800 Hz पे कट लगाएंगे तो आई विल ओपन दिस ट्रैक म्यूजिक ट्रैक को सोलो करूंगा और 450 पे एक नॉच को ले जाऊंगा और एक नॉच को 4800 पे ले जाऊंगा
तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ट्रैक को एक साथ प्ले करते हैं दोनों चीजों को, और देखते हैं कि कितना कट करने की जरूरत है इसकी बॉडी में और इसके प्रेजेंस एरिया में। जिगरी हॉस्टल में थे करते फन, कॉलेज में गाते थे गाने, म्यूजिक के नशे में बर्न, अपनी जेब थी गड़ा खा सब थी अपनी फिल्म, नेवर केयर अबाउट अ फ्यूचर वी लाइक कूल किंगडम, क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है, ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना क्विट है, तेरे बैग भी तो नीट है, मेरे कश भी अब हिट है, हेल्थ की तो छोड़ हाथ में मेरे फिट विट है, भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है, क्योंकि भाई तेरा लिट है, क्योंकि भाई मेरा लिट है। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं बहुत स्लाइट नॉच क्लैरिटी का मिला, एंड नॉट जस्ट दैट, वोकल्स को अब अपनी स्पेस मिलनी शुरू हो गई। तो दैट इज व्हाई आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टार्टिंग से एंड तक जो हमने सेक्शन सुना है उसमें वोकल्स की क्लैरिटी अब थोड़ी और प्रोमिनेंट हो गई, एंड जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि दब रहे हैं कहीं पे भी। बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द फाइनल ट्रैक, अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है। तो उस चीज को हम कैसे फिक्स करेंगे, वील यूज अ ट्रिक जो कि बहुत कॉमनली यूज है इंडस्ट्री में, बहुत जगह यूज होती है, एंड इट इज कॉल्ड साइड चेनिंग। तो अगर आप लोगों को साइड चेनिंग की डिटेल्ड एप्लीकेशन समझनी है तो यू कैन चेक आउट माय वीडियो, मैंने एक साइड चेनिंग पे वीडियो बनाया डेडिकेटेडली, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट टू एंड बात की है कि साइड चेनिंग क्या होता है और उसके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं म्यूजिक ट्रैक पे जाऊंगा और एक कंप्रेसर डालूंगा। सो अब हमने एक कंप्रेसर डाल दिया, सबसे पहले मैं ऑटो गेन ऑफ करूंगा और अपना फेवरेट कंप्रेसर डालूंगा जो कि स्टूडियो FET है। अब ये जो आप साइड चेन का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आई विल क्लिक ऑन इट और मैं यहाँ पे वोकल सिलेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब जब वोकल्स आएंगे तब तब म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, दैट मीन्स जो गैप्स है वोकल्स के बीच में जहाँ पे वोकल्स नहीं आ रहे वहां पे आपका म्यूजिक ओरिजिनल जैसा साउंड करेगा, और जहां जहां आपके वोकल्स आ रहे हैं वहां वहां कंप्रेसर ऑन होगा और थोड़ा सा आपके म्यूजिक को दबा देगा, सो दैट आपके वोकल्स जो है वो और ज्यादा हाईलाइट हो पाए। सो एक बार सुनते हैं ट्रैक को और कंप्रेसर के पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी साइड चेनिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। यार मेरा जिगरी हॉस्टल में थे करते फन, कॉलेज में गाते थे गाने, म्यूजिक के नशे में बर्न, अपनी जेब थी गड़ा खा सब थी अपनी फिल्म, नेवर केयर अबाउट अ फ्यूचर वी लाइक कूल किंगडम, क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है, ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना क्विट है, तेरे बैग भी तो नीट है, मेरे कश भी अब हिट है, हेल्थ की तो छोड़ हाथ में मेरे फिट विट है, भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है, क्योंकि भाई तेरा लिट है, क्योंकि भाई मेरा लिट है। सुन मेरी का, यार मेरा जिगरी हॉस्टल में थे करते फन, कॉलेज में गाते थे गाने, म्यूजिक के नशे में बर्न, अपनी जेब थी गड़ा खा सब थी अपनी फिल्म, नेवर केयर अबाउट अ फ्यूचर वी लाइक कूल किंगडम, क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है, ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना क्विट है, तेरे बैग भी तो नीट है, मेरे कश भी अब हिट है, हेल्थ की तो छोड़ हाथ में मेरे फिट विट है, भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है, क्योंकि भाई तेरा लिट है, क्योंकि भाई मेरा लिट है। सुन मेरी। राइट, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस मीटर के थ्रू भी ऑलमोस्ट 5 dB रिडक्शन हो रहा है म्यूजिक में, दैट मींस जब जब वोकल्स आ रहे हैं तब तब 5 dB का रिडक्शन म्यूजिक में हो रहा है, और उसी वजह से जो वोकल्स हैं वो और ज्यादा खुल के आ पा रहे हैं और ज्यादा हाईलाइट हो पा रहे हैं मिक्स में। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार आई प्ले द ट्रैक और मैं क्या करूंगा, ये जो EQ और कंप्रेसर डाला है हमने म्यूजिक ट्रैक में इसको ऑन ऑफ करूंगा, सो दैट आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि ओवरऑल मिक्स की क्लैरिटी और टोन में क्या चेंज आया। तो एक बार सुनते हैं उसको। यार मेरा जिगरी हॉस्टल में थे करते फन, कॉलेज में गाते थे गाने, म्यूजिक के नशे में बर्न, अपनी जेब थी गड़ा खा सब थी अपनी फिल्म, नेवर केयर अबाउट अ फ्यूचर वी लाइक कूल किंगडम, क्योंकि भाई तेरा लिट है बाकी अन फिट है, ये गेम होगा कर रहा है इसको करना ना क्विट है, तेरे बैग भी तो नीट है, मेरे कश भी अब हिट है, हेल्थ की तो छोड़ हाथ में मेरे फिट विट है, भाई तेरा लिट है क्योंकि भाई मेरा लिट है, क्योंकि भाई तेरा लिट है, क्योंकि भाई मेरा लिट है। राइट, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ही सटल चेंज है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान दे रहे हो वोकल्स पे, म्यूजिक पे, तो आपको फील हो रहा होगा कि पहले जैसे म्यूजिक फैल रहा था, बेस फैल रहा था और वो वोकल्स को कट थ्रू नहीं करने दे रहा था, अब वो जो वोकल्स हैं वो कितनी आराम से कट थ्रू कर पा रहे, एंड जो आपका म्यूजिक है अब वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड साउंड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज साइड चेनिंग व्हेन मिक्सिंग रैप वोकल्स। रैप वोकल्स को मिक्स करते वक्त इस चीज का बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कभी म्यूजिक को सप्रेस मत
करो, कंप्रेस मत करो वोकल्स के अकॉर्डिंग, रादर वोकल्स की जो स्पेस है उसको ढूंढो म्यूजिक के अंदर और देखो कि म्यूजिक को कैसे कट थ्रू करवा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एनर्जी। एनर्जी को बिना कॉम्प्रोमाइज करे म्यूजिक की, देखो कि वोकल्स को कैसे कट थ्रू किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।